जैसा कि आप जानते हैं, 1 जुलाई 2022 को इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक नई UAV को टेस्ट किया है, जिसे ऑफिशियली ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कहा जाता है। ये टेस्ट फ्लाइट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में हुई थी। ये इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको DRDO के इस नए UAV और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर एक्चुअली ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को DRDO के टॉप सीक्रेट घातक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए पहले मैं आपको ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर और उसके बाद घातक UCAV के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस एयरक्राफ्ट के नाम से बहुत सरप्राइज हैं, क्योंकि अब तक इस नाम का कोई भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में नहीं था। एक्चुअली पहले इस एयरक्राफ्ट को ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी AURA ऑरा भी बोला जा रहा था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर कर दिया गया है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर एक टेस्ट एयरक्राफ्ट है जिसे DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट घातक UCAV में लगने वाली कई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि फ्लाइंग विंग UAV की डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ऑटोनोमस लैंडिंग एंड टेक ऑफ टेक्नोलॉजी और रडार क्रॉस सेक्शन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की लेंथ 4 मीटर और इसका विंग स्पैन 5 मीटर्स है और इसमें रशिया का बना हुआ NPO सैटर्न 36MT स्मॉल टर्बोफैन इंजन लगा है, जो कि जनरली क्रूज मिसाइल्स में होता है। इस रशियन इंजन के चलते ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ग्राउंड कमांड सेंटर से 200 किलोमीटर की रेंज में 6000 मीटर की हाइट पर 1 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का वेट लगभग 1050 किलोग्राम है। आने वाले समय में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का रशियन इंजन मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन को निर्भय क्रूज मिसाइल्स और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स यानी ITCM पर भी टेस्ट किया जा सकता है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के बारे में जानने के बाद अब आते हैं इसके नेक्स्ट वर्जन यानी DRDO घातक UCAV पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि DRDO घातक इंडियन एयरफोर्स का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जिसमें DRDO इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ऑटोनोमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV बना रहा है। घातक UCAV ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का एक बड़ा वर्जन होगा, यानी ये भी एक स्टील्थी फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला एयरक्राफ्ट होगा। घातक UCAV की शेप के चलते ये कहा जा रहा है कि घातक UCAV रशियन स्टील्थी ड्रोन S-70 ओखुदनिक से ज्यादा स्टील्थी है और US नेवी के नॉर्थरोप ग्रूमैन X-47B के बराबर का एयरक्राफ्ट होगा। घातक UCAV का फ्यूजलेस यानी इंजन एग्जॉस्ट का एरिया भी स्टील्थी टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, जिससे इसका इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर बहुत कम होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर में कोई भी वेपन नहीं फिट किया गया था, लेकिन इसके नेक्स्ट वर्जन में यानी घातक UCAV में मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे होंगे। अभी अवेलेबल डिटेल से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि घातक UCAV 30,000 फीट यानी 9,144 मीटर तक की हाइट तक फ्लाई करेगा और इसके फाइनल वर्जन का वेट लगभग 15 टन होगा। घातक UCAV में DRDO के कावेरी इंजन का ड्राइव वेरियंट लगा होगा, जिसका थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन होगी। ये भी कहा जा रहा है कि घातक UCAV में एक नई तरह की फ्लूड थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। घातक UCAV में लेटेस्ट मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी PGM लगे होंगे, जो कि इंटरनल बे में फिट किए जाएंगे, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम रहे। अगर सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक रहा तो घातक UCAV की पहली टेस्ट फ्लाइट 2025-26 में होने की उम्मीद है। इसीलिए 1 जुलाई 2022 का ये टेस्ट DRDO घातक UCAV प्रोग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था। इस टेस्ट में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ने फुल ऑटोनोमस मोड में फ्लाई किया, यानी बिना किसी पायलट के इस UAV ने खुद से टेक ऑफ किया और सभी वे पॉइंट से होते हुए रूटीन नेविगेशन किया और इसके बाद सेफली लैंड किया। इस टेस्ट फ्लाइट के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO को बधाई दी है और ये बोला है कि इंडिया में ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर DRDO के टॉप सीक्रेट घातक UCAV को बनाने के लिए एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को आने वाले समय में चाइनीज एयरफोर्स से लड़ने के लिए घातक UCAV जैसे एडवांस स्टेल्थ UAV की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।